सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। सुबह की आरती की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। मेरे जीवन तो परमेश्वर ने फिर से पांच बड़े संकट बताए जिसे सुनना बहुत जरूरी है। परमेश्वर भविष्यवाणी बोलने को कहा है और कहा यह भविष्यवाणी पूरी होगी। हम और आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर दया करें। आइए प्रार्थना करें। पूछ लो किया ये बोलनी है। इस हफ्ते मुझे ये बोलना है पूरी होगी, यानी कि अगले संडे से अगले मंडे से पहले पहले ऐसा बोलना है। अगली भविष्यवाणी के लिए पांच संकट बताइए। सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। सुबह के 8 बजे की प्रातः में तहे दिल से आपका स्वागत है। पांच बड़े संकट फिर से परमेश्वर बताए। घर से बाहर निकलने से पहले ये वीडियो प्रार्थना सुनना जरूरी है। ये सुरक्षा की प्रार्थना है, रक्षा की प्रार्थना है, परमेश्वर के सर्वदूत की प्रार्थना है जो हमें और आपको कवर करेगी और हमें नहीं काफी लोगों को कवर करेगी, क्योंकि जिस बस में जिस ट्रेन में जिस में आप बैठोगे आपके द्वारा पूरा का पूरा वो ट्रेन और बस प्लेन सब महफूज होते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, वाक्य में जहां तू हमें भेजता है और उस भेजने के द्वारा सब कुछ सेफ रहता है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ पिता। परमेश्वर को फिर से बताने के लिए धन्यवाद। आने वाली विपत्ति बताने के लिए धन्यवाद। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हमें विपत्ति इसलिए बताता है ताकि हम और आप प्रार्थना कर सके, हम और आप परमेश्वर के कदमों में बैठकर से मांग सके, हे परमेश्वर दया कर। फिर भी हमारी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो, और परमेश्वर अपनी इच्छा बदलने वाले भी है। क्या बताया परमेश्वर मुझे, कौन से पांच संकट के भविष्यवाणी है जो इसी महीने पूरी होगी, नवंबर महीने की। हमें आपको प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर दया करें। देखो भविष्यवाणी रुकती नहीं है, मैं फिर कहता हूँ, लेकिन हम दया मांगते हैं तो परमेश्वर अपनी इच्छा बदलने को कहते हैं। वचन क्या कहता है फिर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन कहता है Amos 3:7 में लिखा है, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मरम बिना प्रकट के कुछ ना करेगा, सिंह गर्जा कौन ना डरेगा, यहोवा परमेश्वर यहोवा बोला कौन भविष्यवाणी ना करेगा। जब वो बोलता है तो भविष्यवाणी होती है। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ मेरे अजीज, परमेश्वर बहुत महान है और पांच बड़े संकट है। तो पहला संकट जो परमेश्वर बताया, आग की घटनाएं आप बहुत देखने वाले हो इस महीने, फिर से आग लगेगी बहुत ज्यादा, पुल टूटना आप देखोगे काफी बार, चोरी की संख्या ज्यादा बढ़ेगी, ट्रेन हादसे फिर होने वाले और सड़क हादसे की संख्या ज्यादा बढ़ेगी। ये पांच संकट है जो परमेश्वर ने बताया इस महीने पूरे होंगे, लेकिन हमें प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर अब की बार तू अपनी इच्छा बदल और रहम कर। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, वाक्य में तू अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, तू अपनी इच्छा बदलने वाला परमेश्वर है, तू सब कुछ कर सकता है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं। अपनी इच्छा बदले, लेकिन फिर भी हमारी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो, हमारी सुरक्षा दे, जो भी लोग घर से बाहर आते जाते हैं पिता उनके तेरी सुरक्षा हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।